कुछ दिन पहले हमारे सामने ओप्पो की तरफ से निकल गया था ओप्पो रेनो 6 सीरीज, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था उसके फीचर्स के लिए। मतलब फीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास देखने को मिल गया था, जैसे कि परफॉर्मेंस की बात करूँ बहुत ही अच्छा, डिस्प्ले की बात करूँ बहुत ही अच्छा, और जो मेन हाईलाइट था उस सीरीज के अंदर वो था फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए मार्केट के अंदर मैं एक बेस्ट चॉइस बोलूँगा इस फोन को। तो जो भी है ये तो था पहले की बात, आज की बात क्या है? आज की बात ये है कि रेनो 7 के बारे में इंटरेस्टिंग हाथ लगा है तो क्या है बात करूँगा। और ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ इस सीरीज के ऊपर, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा लिंक, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। और जो भी है रेनो 7 के अंदर जो लो एंड वेरिएंट होगा, मतलब रेनो 7 SE, उसके बारे में बहुत कुछ पता चला है उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स के थ्रू जो ऑफिशियली किया जाता है। तो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला इस वीडियो के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो होगा ये वीडियो। और उसके साथ लॉन्च डेट के बारे में भी कुछ हिंट्स है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान ही शेयर करूंगा। तो क्या है चलो देख लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अनंत देख रहे हैं आप लोग एडिटेक रूम, और इस वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का जादुई बटन है जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक करने के बाद तुरंत ही वो रेड वाला बटन ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, मज़ेदार बटन है। और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना, लाइक और शेयर तो कर ही देना। तो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं सबसे पहले शेयर कर देता हूँ, मतलब डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने को मिल जाएगा 6.43 इंचेस के 90Hz E3 AMOLED डिस्प्ले। तो एमुलेट है तो यहाँ पर कोई भी बात नहीं करूंगा, और डिस्प्ले अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये तो कन्फर्म हो चुका है। और यहाँ पर अंडर द हुड इसके हार्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर डायमेंसिटी 920 5G प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअल क्या रेट देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस का और बाद बाकी हर एक चीज़ का, इसके बारे में अभी कुछ भी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को लॉन्च होने तक और आने वाले समय पे कुछ भी पता चलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू और नहीं तो मेरे चैनल के थ्रू। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, फॉलो जरूर से कर लेना। और उसके साथ यहाँ पे 12GB रैम का सपोर्ट और 256 इंटरनल स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा हम लोगों को। देन कैमरा सेटअप की बात करते हैं, यहाँ पर रियर साइड पे हम लोगों को 64 MP का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, और उसके साथ 8 MP एंड 2 MP का कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा या नहीं ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट मेरे को लग रहा है कि जो 8 MP का कैमरा सेंसर है वहाँ पर हम लोग अल्ट्रा वाइड ही देखने को मिलेगा, बट अभी कंफर्म कुछ भी नहीं बोलूंगा आप लोगों को। सो वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टेड 4300 mAh होगा, ठीक है। और लो एंड वेरियंट है तो यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा मैं, बट ज्यादा होता छोड़िए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो फोन को तेजी से 0 to 100 कंप्लीट कर देगा। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज, लॉन्च डेट, इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल के नहीं आया है, बट इतना बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है कंपनी इस चीज़ को लेकर भी। सो आने वाले बहुत ही जल्द हम लोग को देखने को मिल जाएगा ये वाला सीरीज, मार्केट पे बहुत सारे फोन के साथ टक्कर बहुत ही जोरदार होने वाला है। सो वेट करो, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और पर्सनली मेरे को ये सीरीज तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हर एक लोगों को पसंद होगा, क्यों नहीं। इसका डिज़ाइन इतना एट्रेक्टिव है इस सीरीज के अंदर, मतलब रेनो सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, इस सीरीज के अंदर इतना अच्छा खासा फीचर्स देखने को मिल जाता है। सो और क्या चाहिए। बाद बाकी जो भी है इस फोन के बारे में आने वाले समय पर आप लोगों को पता चलता रहेगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। तो आई थिंक वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।